फौज इकट्ठी हुई है वहाँ पे, अब सब मिलके हल्ला बोलेंगे मुझ पे ताबड़तोड़ सवाल। पता, दादाजी ने मुझे बताया था उनके दोस्त का एक नवासा है, अगर मेरी शादी उससे हो गई ना मेरे बड़े ठाट है। क्यों नहीं शिबाना को कहती कि कुड़ी की एक तस्वीर ले आए, वो तो उनको दिखा दे, जो उन्हें हाँ करता है तो हम कुड़ी देखने चल जाएंगे। ये हो सकता है, होना ये है। जरा जारा के दिल में झांक कर तो देखो, उसे करियर की नहीं एक घर की जरूरत है। मैं तो फिर कारी चलनी है जी, हमें तो एक सीधी सादी घरेलू सी लड़की चाहिए थी। वालेकुम सलाम। मैं इस रिश्ते को हाँ कर रहा हूँ। पूरी दाबा मान गया जी, दाबा मान गया जी। नहीं ऑन किथे ऑन हो? मैंने भी हर बाप की तरह कुछ ख्वाब देखे थे, और वो ख्वाब दूसरों से अलग थे। मैं समझता था कि मेरी बेटी सबसे अलग है, लेकिन तुम्हारे ख्वाब आम लड़कियों जैसे निकले। तो क्या आम होना गलत है डैडी? नहीं बेटा, मैं देखो अब भी तुम्हारे इस फैसले से मुतमईन नहीं हूं। उस घर में चार चार औरतें रहती हैं, यू नो, फोर वुमेन। इसमें क्या गलत बात है बेटा? तुम्हें तो एक भी औरत के साथ रहने की आदत नहीं है। देखो औरतें बहुत मकार होती हैं, बहुत चालाक होती हैं, उनसे निपटना कोई आसान काम नहीं है। हमारी जिंदगी अजीरन करके रख देंगे। नहीं डैडी, वो सच में बहुत अच्छी हैं। तुम्हारी आंखों पे तो ऑन ने मोहब्बत की पट्टी बांध रखी है। कौन ऑन? ऑन जी जी, मुझे इसकी अम्मी, दादी, पुप्पू, चाची सबसे मोहब्बत है। जी अब की बार ना सारी कसर निकाल देनी है। एक तो खानदान में इतनी देर बाद ब्याह हो रहा है, और फिर खानदान की तारीफ की पहली लव स्टोरी। हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। कौन तुमने बताया भी नहीं? तुम दोनों कब मिले थे? लव स्टोरी कब शुरू हुई थी? बस शुरू हो गई थी। हाय, फिर भी बता दो सही, तुम मिले कब थे? हस चची, मिल गए थे ना? शर्मा रहे? हाय हाय, मैं सदके जाऊं अपने लाडले की शर्म से? ये शर्माना घबराना मर्दों को जेब नहीं देता। खोल के बता अपनी लव स्टोरी, बता। वो मैं जारा को ना पहली बार स्कूल में मिला था। स्कूल में? हाँ। ओए, तुम इतना पुराना एक दूसरे को जानते हो? मैं तो समझता था बच्चा है, पढ़ने जाता है स्कूल। इतनी छोटी सी उम्र में झुकी मुझुकिया। दरअसल मैं जारा को स्कूल के वक्त से नहीं जानता। मैं तो स्कूल
मंजर के साथ गया था उसके भांजे को पिक करने, और सारा भी वहां आई हुई थी अपने छोटे बहन भाइयों को पिक करने ना। छोटे बहन भाइयों को पिक करने? हाँ, हम पहली बार स्कूल में ही मिले थे। मैंने तो उसे पहली नजर देख के अपना दिल दे दिया था। झूठ, सफेद झूठ। नहीं फूफो, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। हम अभी थोड़े दिन पहले तो मिले हैं। मिले होगे, लेकिन स्कूल में नहीं, क्योंकि वो स्कूल आ ही नहीं सकती अपने छोटे बहन भाइयों को लेने। चाची, उस दिन ड्राइवर छुट्टी पे होगा ना। ओ भाई, ड्राइवर छुट्टी पे गया हो या जंग पे गया हो, फिर भी स्कूल नहीं जा सकती अपने छोटे बहन भाइयों को लेने, क्योंकि उसके छोटे बहन भाई हैं ही नहीं। क्या? माशाल्लाह, इकलौती है तुम्हारी तरह। इकलौती? हाँ जी। ज़ारा, तुम्हारी होने वाली सास ने तुम्हारे नाप के लिए कोई चीज मंगवाई है। हाँ ना, निकाल दो। क्या निकाल दूँ? वहाँ ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट होगी, वो दे देना। ज़ारा, उन्होंने तुम्हारे लहंगे के लिए नाप मंगवाया, ये जीन्स कहाँ से आ गई? लहंगा? और नहीं तो क्या, शादी के बाद इस हुलिया में फिरोगी? हाँ, इन दिन की बातों की पहन लूंगी। ज़ारा, अगर तुम्हें सारी जिंदगी पहननी पड़ेगी फिर क्या करोगी? हाँ पहन लूंगी, सब बहुत अच्छे हैं, दादी पुप्पो चाचा चाची, देखो उनका मुझसे प्यार हो जाएगा दो दिन में। और ऑन भाई को? उसकी परवाह कैसे, हो जाए तो हो जाए, इतना से वैसे कोई हाल नहीं है तुम्हारा। ये ना, अच्छे पहले पॉइंट बन रहे थे मेरे। इकलौता पोता, इकलौता नवासा, इकलौता बेटा, इकलौता भतीजा, लगा तो मुझ पे जो इकलौता दामाद भी बनने जा रहा हूँ। एक काम कर। क्या? दो तीन शादी इकट्ठी पड़का ले, वरना इकलौता शौहर भी कहलाएगा। क्या? एक भी शादी करने को तैयार नहीं हूँ। मैंने नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी जो मुझे अपने घर का इकलौता दामाद बनाने जा रही है। पागल हो गया? परसों मेहंदी है, उससे अगले दिन शादी, कार्ड बच चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल है। मैं सारी जिंदगी का अजाब अपने सर पे लेने को तैयार नहीं हूँ। मैं किसी ना किसी तरह से शादी रुकवाऊंगा, और तुम मेरा साथ दोगे? दोगे ना? हाँ। कौन सब आए हुए हैं सर? कौन? विश्वा? क्या तुमने उस? नहीं डैडी, आई स्वेयर मैंने इसको नहीं बुलाया। ये जो अंदर खड़े क्या हो? ये पता नहीं क्यों आया है, कहीं मेरा पांडा ना खुल जाए कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। खिसक ज़ारा, खिसक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। खैरियत है बरखुदार? कल तुम्हारी मेहंदी और तुम ससुराल की तरफ हंगामी दौरे पे निकल गए। जी वो दरअसल मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात? वो अम्मी और दादी ने आपसे कुछ जहेज की बात तो नहीं की? नहीं, उनका सिर्फ ये कहना था कि उनको किसी किस्म का कोई जहेज नहीं चाहिए, मगर जाहिर है अब मैं अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा, इकलौती औलाद है मेरी। वो भी यही कह रहे थे, आप लोग तो खानदानी लोग हैं ना, तो उन्होंने कहा कि खुद से कहकर बुरा बनने की अब क्या जरूरत, वैसे भी अब जो कुछ आपका है वो उन्हीं का तो है, और अंदर की बात तो यह है कि उनकी नजर आपके जहेज पे नहीं, आपकी जायदाद पर है। जायदाद पे? जी, बहुत लालची है ना वो। तुम अपने खानदान के खिलाफ मुझे सब बातें बता क्यों रहे? ओह, वो मैंने कहा आपको पहले ही सब कुछ बता दूं ना, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि मैंने अपनी बेटी किस घर में सौंप दी है।
रिंग लेके शादी करने को तैयार होगी थी। चलो कम से कम इस घूचू को जानती तो हो। मगर आंखों देखी मक्खी निकलना दूसरी बात है, और मैं इस मम्मी डैडी के साथ ही गुजारा कर सकती जाना, प्लीज इस शादी को रुकवाओ कुछ भी करके। एक तो तुम भी हमेशा मसला लेकर आ जाती हो। मैं डैडी से क्या बात करूं, कुछ तो आइडिया दो। कुछ सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं जाके खुद उसके ऊपर थप्पड़ मार देती हूँ, वो खुद इनकार कर देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो टिम्बिडिटी और सेडिमेंट है, इसने डैडी मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना? मुझे पता था जारा मेरे फैसले की हिमायत करेगी। तो ठीक है, फिर मेहंदी के फंक्शन के लिए ये मेन्यू बेस्ट रहेगा। मेन्यू की बात नहीं कर रही। तो क्या हॉल पसंद नहीं है बेटा तुम? नहीं नहीं दादाजी। डैडी मुझे ये लगता है कि आप जो ऑन के बारे में सोच रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हाँ बेटा, ऑन वाकई बहुत अच्छा लड़का है। चलो तुमने माना तो सही, लेकिन आप तो देखो आज उसने जो बात की है आके, मुझे इत्मीनान हो गया है कि मैं तुम्हें कोई गलत हाथों नहीं सौंप रहा। और वो जो चार मकान औरतें, उनकी साजिश है? हाँ भाई, उनके बारे में तो मेरी राय वही रहेगी, मगर मुझे फिक्र नहीं है कि तुम उनसे निपटोगी कैसे। और फिर ऑन भी है, हाँ तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुम्हारी खातिर वो अपने खानदान की असलियत बेनकाब करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कंफर्म कंफर्म कर दो। ओके, मैं फाइनलाइज करके आता हूँ। कोई मसला है बेटा? दादाजी पता नहीं मैंने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले लिया, मैंने तो उनकी फैमिली करियर स्टडीज कुछ पूछा ही नहीं है, पता नहीं वो मेरे काबिल है भी कि नहीं। नहीं बेटा, देखो ये जरूरी नहीं कि जल्दबाजी में किया हुआ हर फैसला गलत ही हो, अल्लाह पे भरोसा रखो। और अगर ऑन अभी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता तो उसका बाप सलामत है, जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो उसे निभाएगा। एक दिन पहले ऐसी बात सोचना अच्छा नहीं होता। मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि शादी रुकवाने में मेरी मदद कर, और तू यहाँ फूल से जा रहा है। मैं कैसे रुकवाऊँ शादी? यार कोई आइडिया तो दे। मर जा, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। चमलिया ना मार, मुझे कोई ऐसा आइडिया बता जैसे शादी भी रुक जाए और मैं जिंदा भी रहूँ। इस तरह का एक वाक्य मेरी याददाश्त में है कि एन मेहंदी वाले दिन शादी कैंसिल हुई थी। हाँ तो बताना जल्दी कर। उल्टियाँ। तू मुझे कोई ऐसा आइडिया बता जिससे कम जलालत हो, इससे तो मेरी बहुत थू-थू होगी। तेरी पहले कम थू-थू होती है। शेना, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अब सारा खुदा का वास्ता एक बार फिर सोच लो। शादी से ऐन एक दिन पहले रिश्ता खत्म होना बहुत बदनामी की बात होती है यार, और इस बात का असर पूरी जिंदगी तुम्हारे पे रहेगा। अगर मेरी शादी इस घोंचू के साथ हो गई तो मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेंगे, कभी सोचा है तुमने? मैंने सोच लिया, मैंने कहा कि वक्त मुंह फाड़ के अकबर मांग लूंगी, इस तरह शादी नहीं होगी। कितनी चीप लड़की हो तुम, ये बात सोचते हुए और बोलते हुए कितनी बेशर्म लगोगी। यार ये सब कुछ मैं नहीं कहूंगी, ये सब तो डैडी कहेंगे। मैं उन्हें आज रात इतनी ज्यादा पट्टियां पढ़ाऊंगी कि वो सुबह निकाह के वक्त हक में बहुत ज्यादा मांग लेंगे। पर ज़ारा शादी से है एक दिन पहले, कुछ तो सोचो ज़ारा। मुझे फिक्र है उन लोगों की, दादी चची पुप्पो अम्मी सब लोग बहुत अच्छे हैं अब, लेकिन उनको मुसीबत से बचाने के लिए मैं खुद को कुएं में क्यों फेंक दूं?
तू बहुत बड़ा मसला हो गया यार। पता नहीं तुम्हारे डैडी ने ऑन के घर वालों को क्या कह दिया है। वो सब तो बिल्कुल बुखला से ही है। मुझे पहले से ही पता था कि डैडी रंग में भंग जरूर डालेंगे। अब तो मुझे रात को पटिया भी नहीं पढ़ानी पड़ेंगी अकमेर की। शादी रुक जाएगी वैसे ही। ज़ारा, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले, मेरा मतलब है होते होते रह जाने वाले ससुराल वाले, बहुत मायूस हो गए यार। दादी ने तो भाई लड़ना भी शुरू कर दिया है। वैसे दादी कितनी स्वीट थी ना, बल्कि ये सब घर वाली बहुत अच्छे हैं। अम्मी, पुप्पो, चाची, दादी। ये खैर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब शादी नहीं होगी। तुम क्या चीज हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही? कभी मेरी खुशी में खुश हुई हो? भाई लड़ाई हो रही है ज़ारा। या कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। ओफ अल्लाह, आए ना, आपको आज ये गल याद आई है, आज ये इतला देनी है हमें आपने। जी हाँ, हमारी गलती है कि हम आपको इत्तला नहीं दे सके। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। नहीं जी, अब ऐसे काम अचानक तो नहीं होते ना। भाई साहब, आपको समझना चाहिए, हम खानदान बिरादरी वाले हैं। लोग क्या कहेंगे कि मेहंदी की रस्म के लिए आए थे और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? हमारे खानदान में नहीं होता ऐसा। मगर हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो अपने ही खानदान में करानी थी ना लड़की की शादी। अब हद से ज्यादा बढ़ रही है खातून जी। कौन सी हद? निगत की कोई हद नहीं है। आपको देख के ही अंदाजा हो रहा है जी। लगता है मेरे होने वाले ससुर ने जहेज की बात को सीरियसली ले लिया है। फड्डा कर रहे हैं यार। तेरे ससुर ने अगर तेरा नाम ले लिया ना, तू तो गया काम से। आसमान से कोई फरिश्ता भी आके उन्हें बहकाने की कोशिश करे ना, तब भी वो ये नहीं मानेंगे कि उनका लाडला बेटा कुछ गलत कर सकता है। तू जाके देख तो सही अंदर। तू जाना यार। देख, मेरे काम की चीज तो घर के अंदर है, मैं बाद में देखूंगा। तू पहले जा, तू अंदर तो जा। हाँ वैसे मामला तो सीरियस लग रहा है, मैं ही जाता हूँ। जा, शाबाश। देखो जी, ये आज आपका ये मुतालबा मैंने मान लिया ना, कल आप दूसरा मुतालबा मेरे आगे रख दोगे। और फिर दूसरी गल है कि मैंने कुड़मों को कभी अपने सिर पे नहीं चढ़ाया। देखिए, इसमें हरज ही क्या है, जो काम होना है वो तो होना ही है। मगर हर काम अपने वक्त पर होता ही अच्छा लगता है जी। क्या हुआ दी, मसला क्या है? मसला पुत्र, हमने ये तेरे ससुराल वाले बना रहे हैं। मैंने सिर्फ अपनी खानदानी रिवायत के बारे में आपको बताया और दरख्वास्त की है कि अगर इस पे अमल किया जाए तो हमारे बुजुर्गों की रूह को सुकून मिलेगा। दैट्स इट। दरख्वास्त? क्या दरख्वास्त? बेटी वाले दरख्वास्त ही तो कर सकते। जी, बेटी वाले होने का मतलब ये नहीं है कि क्या हम अपना सर झुकाएं? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। अब जमशेद, तुम चुप रहो। बेटी की जिंदगी का मामला है। भाई मुझे भी तो बताएं कि मामला क्या है, आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ माँ जी, ऑन ठीक कह रहा है, उसकी जिंदगी का मामला है, थोड़ा सोच ले। वाकई अम्मा, हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशी का सवाल है। अगर ये लोग इतना इसरार कर ले हैं तो मानने में क्या बुराई है? हाँ अम्मा, अपने शहजादे बेटे के लिए। नहीं नहीं अम्मी, आप मेरी वजह से अपना फैसला मत बदलें, मुझे आपकी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। हाय, ऑन को हम सबका कितना ख्याल है, एक आप है कि जिद पैड़ी हुई है, ऑन की मोहब्बत और अरमानों का ख्याल ही नहीं करती। चलो, ये हमारा काका इतना बड़ा दिल कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आप लोगों को इजाजत है जी, अपनी खुशी जो आपकी तबीयत है आप करें। मगर दादी। ऑन चंदा, क्या हो गया?
निकाह तो होना ही है, आज नहीं तो कल। अगर इनके खानदान की रस्म है कि मेहंदी वाले दिन निकाह हो जाए तो उसमें क्या हर्ज है। निकाह आज? चले अब्बा जी और निकाह खान को बुलाया है। बेटा मैंने तो सोचा था कि मैं खुद ही निकाह पढ़ा लूंगा, नजराने वसूल करूंगा। अम्मी सीते पाई जी काफी मखौलिए हुई हो। मिस्टर ओन अकबर वल चौधरी मोहम्मद अकबर का निकाह दारा जमशेद बिनत जमशेद फयाज बाइबल 50,000 सिक्का राजुल वक्त आपको कबूल है। जी कबूल है। दादाजी और डैडी के साथ निकाह भी नहीं कर पाए और मेरा उसके साथ निकाह हो गया। ओ खुदाया अब क्या करूंगी मैं। मुमताज के ब्याह पर भी ना सबकी नजरें मुझ पर थी, आज ओन पुत्र की बारात पर भी ना सबकी नजरें मुझसे नहीं हटेंगी। नहीं रहन देनी, मुमताज के ब्याह पे सबकी नजरें तुझ पर इसलिए थी क्योंकि तूने कमीज पुठी पहनी हुई थी। नजरें भाभी ये देखिए बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत बना है ना। वैसे मैं बता रही हूँ इस दफा मैं किसी अच्छे पार्लर से तैयार हूँगी। हाँ तो वो नुक्कड़ पे है ना, वो क्या है मदिया ब्यूटी पार्लर, वहाँ चली जाओ। हाय हाय तौबा करें, वो भी कोई पार्लर है? उसकी अपनी शक्ल देखी आपने, गोला गंडा बना देती है। तो तुम्हें तो तैयार होने की क्या जरूरत है? क्यों तुम जब भी ज्यादा तैयार होती हो ना कोई मुसीबत जरूर आती है। तुम्हें याद है तुम्हारी नन सीढ़ियों से गिर गई थी, उस दिन भी तुम ठुमक ठुमक करती हुई आई थी अस्पताल से पार्लर से निकलकर, और शिवरात्रि बुरे दिन गुजर गई थी उस दिन भी तुम कुछ ज्यादा ही तैयार हुई हुई थी। आज मेरे बेटे की शादी है, मैं कोई नहुसत नहीं चाहती। आप तो चाहती है कि मैं तैयार ही ना हूं। वैसे आपस की बात है, नाराज मत होना भाभी, कभी कभी मुझे लगता है कि जलती हैं आप उससे। हाँ इसीलिए तुम्हें पैसे बचा बचा कर देती हूँ, जाओ मेकअप खरीद लो। हाँ तो फिर एहसान भी जताती है। यारी रेड कपड़ों वाली तेरी खाला जाद है ना? वैसे ओन सेरा बांधने के बाद मुझे एक थप्पड़ जरूर मार देना। अभी ले लो, कितने थप्पड़ चाहिए? और ये थप्पड़ नहीं, कहते हैं कि सेरा बांधने के बाद दूल्हा जिसको सबसे पहले थप्पड़ मारता है उसके सेरे के फूल जल्दी खिलते हैं। तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी हुई है, मेरी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? यार है ना तेरी फिक्र, मैं तेरे साथ हूँ लेकिन सिर्फ इखलाकी तौर पर। यानी प्रैक्टिकली कोई साथ नहीं दोगे तुम मेरा? ओए शर्म कर, वो मैं कैसे दे सकता हूँ। अम्मा किधर रह गई? आ जाओ मेरा बच्चा, मेरा चांद। बाकी सब अम्मा किधर है भाई? आज क्या बरातियों खाना नहीं मिलेगा या सिर्फ एक गिलास दूध पीटर खाना है? चलें यही पिला दें। एक सेकंड, क्या कर रहे हैं आप? दूध पिलाई की रस्म के लिए लेके जा रही हूँ, ओन भाई हजारा ही सिर्फ पी सकते हैं। ओन तो बहुत खुश था कि उसकी कोई साली नहीं है, इस फजूल रस्म पे खर्चा करने से बचत हो जाएगी। क्या मतलब क्या है आपका? जारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इस लिहाज से मैं उनकी साली लगती हूँ, और वैसे भी वो भी मेरे अखलौते जीजा जी हैं। खुदा के लिए ये लफ्ज उसके सामने ना लीजिएगा। कौन सा जीजा जी? नहीं इकलौता, वरना उसकी दुम पे पाँव आ जाएगा और ये थोड़े बहुत पैसे मिलने हैं ना वो भी नहीं मिलेंगे। आपको बड़ी फिक्र हो रही है अपने दोस्त का खर्चा बचाने की? मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि मैं भी अपने अम्मा बाबा का ऐसे ही खर्चा करा दूं, बल्कि यूं करें आप भी करा दें, बल्कि मिलजुल के करवा देते हैं, क्या ख्याल है? मुझे रस्म शुरू करवानी है प्लीज। ना रो ना रो,
बेटा हम तुझे इतना लाड देंगे, इतना प्यार करेंगे, तू पेकों को भूल जाएगी। पेकों को बेशक भुला दीजिएगा। हमने जारा को बहुत लाड से पाला है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे पालने की। मैं अपनी बेटी की आंख में आंसू नहीं देख सकता, याद रखना उसे किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने पुत्र तेरे सिर का सदका उतारा है ताकि तेरे सारी सिर की दिलाएं टल जाएं, टल जाएं। मैं क्या जी ले आए? ले आया, ले आया। ये क्यों? ओ पुत्र तेरे सदके का है, इसको भी मेरे सर के ऊपर से उतारेंगे। ले दस। बड़ी भोली मेरी बहू, हाथ लगा, शाबाश, हाथ लगा। हमारे ओन के भोलपन का मुकाबला नहीं है। शाबाश, शाबाश, हाँ बस हाथ लगा। अरे मुंडिया ले जा, ले जा। आप लोगों ने जो भी रस्में करनी है जल्दी जल्दी कर लीजिए, जारा थकी हुई है, उससे आराम करना होगा। ओन भी थका हुआ है, क्यों ओन? और क्या? आ जाओ बेटा, लो जारा शुरू हो जाओ। जीतने वाले का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, हमेशा उसकी चलेगी। तो जी मैं तो अपने पुत्र और मैं तो हुई, मैं भी उनके साथ हूँ। और मैं जारा के साथ। चलो ढूंढ ले जल्दी से। अब जो था उसे भूल जा, इकलौतिया या कुछ भी, शादी हो गई ना, अब सोच सोच के अपनी जान को अजाब में क्यों डाल रहा है। और वैसे भी अच्छी खासी है जारा भाभी, देख अंदर जा और उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला। मैं क्यों? मैंने सारी उम्र मोहब्बत ली है, देना वेना नहीं आती मुझे, उसे चाहिए कि वो मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। अबे पागल हो गया है, पहली रात की दुल्हन है, अभी तो शर्मा रही होगी, वो तुझे कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएंगी। हाँ तो सही कह रहा है, अब मैं कैसा लग रहा हूँ? ये पप्पू ने क्या डिस्को लाइटिंग की हुई है, सुहाग रात है, डांस पार्टी नहीं। इतनी बाहियात चीज ऐसे कौन खाता है, वो भी शादी की पहली रात। और क्या खाते हैं इस मुबारक मौके पे? तुम्हें देख के कहीं से भी नहीं लगता कि तुम चंद घंटे पुरानी दुल्हन हो, अजीब ही लड़की हो वैसे। Thank you.
आप रह दो चंद घंटे पुरानी दुल्हन, अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब मेरी बारी? हाँ सब कुछ मैं करूँ, तुमने कुछ नहीं करना। क्या निगो, तू क्यों नहीं आके सो जाती? मैं सो जाऊंगी ना, आप सो जाए। कुछ आखे है? कुछ नहीं कहा है अम्मा, सो जाए जाके। आ जा तू ही सो ले, मत ले आ। चलो भागते चुर के लंगोटी से। अच्छा पहनाओ। वैसे ये तुमने कोई अच्छा लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया मेरे लिए। कौन सा? पहनाओ। नहीं, उससे पहले वाला लफ्ज इस्तेमाल किया था, घटिया और बेहुदा लफ्ज। लंगोटी? ये कौन सा बेहुदा ये वाहियात लफ्ज है? देखो अगर किसी ने लंगोटी पहनी है, सिर्फ लंगोटी, तब बेहुदा होगा ना। मैं कंजूस मक्खी चूस की बात कर रहा हूँ। ऐसा तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शोहर के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हुए? मुझे शर्म जरा मुश्किल से आती है। और अगर मैं तुम्हें शर्माने पे मजबूर कर दूं तो? तुमने क्या मुझे शर्माने पे मजबूर करना है? मुझे दो घंटे से सिर्फ अंगूठी नहीं बनाई जा रही तुमसे। सारी उम्र एक भरम कायम रखने में गुजर गई, लोगों के सवालों से कतराने में गुजर गई, मगर अब मुझे इस भरम की जरूरत नहीं। मैं तन्हा थी और तन्हा जी सकती हूँ।